अमरीश पुरी जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, शोम शोम शामो शाशा। पहलका मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें विनोद खन्ना के पैर यहीं पर कटे थे। सो ये है बॉम्बडीला और हम लोग बॉम्बडीला के एक बहुत प्यारे से होमस्टे में हैं। अभी आप लोगों को यहाँ के होमस्टे जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं इसका एक स्निपेट दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स की जो यहाँ की ओनर है वो एकदम आपको फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, कि जैसा आप खुद ही उनके फैमिली मेम्बर हो, तो आपको इतना घर जैसा लगता है। और ऑथेंटिक किचन बॉम्बडीला का, अरुणाचल का एक्सपीरियंस करना या एकदम जैसा लोग रह रहे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब आपको यहाँ का होम स्टे का सारे स्निपेट्स दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि आपको कैसी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ की जो ओनर हैं उनका नंबर डाल दूँगा, और ताकि आप लोगों को अगर आना हो तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। ये गाइज लोकल किचन बॉम्बडीला का, एंड आप लोग देखिए, ये देखिए, ये एक इसमें तो देखिए मेरी फेवरेट चटनी कूटी जा रही है जो मैंने स्पेशली बोल के बनवाई है, जो मैंने स्पेशली बोल के बनवाई है ये चटनी, और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए कुछ अलग सी चीज दिखी है यहाँ पर, इसमें इन्होंने ऑयल डाला, इधर लकड़ियां हैं और इसका धुआं शायद इससे निकल जाता होगा। ओ इसमें धुआं नहीं होगा। ये हर हर किचन में है यहाँ पे ऐसा? हेलो एवरीवन, आज हम लोग तवांग से वापस आ रहे हैं और हम लोगों ने बॉम्बडीला में स्टे करा है, और बहुत जगह ढूंढने के बाद, देखने के बाद एक बहुत प्यारा सा होम स्टे मिला है। अभी तो रात हो रही है, डिनर बन की तैयारी हो रही है, देखिए डिनर बनाया जा रहा है। और बाकी यहाँ का प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लकीली हम लोग एक लोकल यहाँ के किचन में हैं। एंड कल मैं सुबह आपको पूरी प्रॉपर्टी की वीडियो दिखाऊंगा। इनको किचन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, बस चटनी चुटनी शुरू हो जाती है इनकी। ये चटनी बाय द वे इसने तैयार नहीं करी है, ये पिक्चर के लिए ऐसा कर रही है सिर्फ, ये तैयार यहाँ पर मैम ने करी है। लेटेस की सब्जी, दाल, चटनी मेरी फेवरेट, पापड़, राइस और रोटी, ये है डिनर। एंड घी भी मिला है। ये रात का यहाँ पे जहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं, ये पूरा सेटअप। और ये घर ही है, आप लोग यही मान के चलिए ये पूरा घर है, और आपको घर जैसा फील मिलेगा। हम लोगों को भी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करा जा रहा है। दोस्तों ये ऐसे रहते हैं यहाँ बॉम्बडीला के लोग। ये है हमारी बालकनी से व्यू, देखिए कितने प्लांट्स ही प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत प्यारे प्लांट्स। ये देखिए इस घर में डॉग्स भी पले हैं और मुर्गी भी पली है। ये है गाइस बॉम्बडीला का व्यू। ये आप लोग देख सकते हैं बॉम्बडीला, हम लोगों का रूम जहाँ पर हम लोग रुके थे। और ये थोड़ा मेस्ड अप है, बट आप ये देखिए कि ये रूम मिला है, प्लस दूसरा रूम ये रूम है, फिर तीसरा ये वॉशरूम है जो कि बहुत क्लीन था, और तीसरा ये हॉल कम किचन है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग अपने से खुद से कुछ बनाना चाहते हो या खुद से करना चाहते हो तो उसकी पूरी फ्रीडम है, आप लोग कर सकते हो। होमस्टे का नाम है डेकिस होमस्टे, DEKIS, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट।
बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स लगा रखे हैं इन्होंने। यहाँ की जो ओनर है वो हॉर्टिकल्चर में, गवर्नमेंट जॉब भी है उनकी, तो ये हॉर्टिकल्चर का पैशन है जो इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। फिर ये आपका एक ओपन एरिया है, ये ऊपर टेरेस है, मैं भी आपको इधर भी लेके चलूँगा। ये एंट्री है इनके डाइनिंग हॉल, डिनर हॉल या जो भी बोल लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ये यहाँ पर हम लोगों ने कल रात में बैठ के खाना खाया था, ये वो जगह है। क्या मैं किचन का वीडियो ले सकता हूँ? हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये है यहाँ से इनकी एंट्री किचन की, और ये एक छोटा सा किचन के पास में बैकयार्ड है। ये बैकयार्ड देखिए, ये जगह की वाइब काफी कुछ केरला की तरह आ रही है मुझे। ये इनका किचन है, ये वो जगह है जहां पर ये लोग कल रात में हम लोगों ने आग जला के हाथ से किए थे, और इधर से इसका धुआं निकल जाता है पूरा। ये देखिए कितना क्लीन और कितना ही अमेजिंग है। टेरेस पे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू है, क्या है, और आप लोग जब आते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों टेरेस की एंट्री। प्लांट्स की तो भरमार है यहाँ पे। ये देखिए प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, बर्ड्स आई हुई हैं। वाओ, इन्होंने ये ग्रीन हाउस टाइप का भी बना रखा है। ताकि यहाँ पे बारिश ना आए और इधर इनके पौधे अच्छे से सरवाइव करें। वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखिए एक चिड़िया भी अंदर है। ये सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। आप लोगों को एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि कल रात में यहाँ की जो ओनर हैं उन्होंने अपनी खुद की उगाई हुई लेटिस की सब्जी खिलाई, और इतना घर जैसा खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी, और इन्होंने गाय का जो देसी घी होता है वो भी हम लोगों को दिया, ताकि हम लोगों के एक ऑथेंटिक खाने की यहाँ की फील आए, और बहुत ही अच्छा खाना था। तो आप लोग आइए और स्टे करिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस भी उतना ही अमेजिंग रहा जितना मेरा था। टेरेस से बादल आ चुके हैं पूरे में। बॉमडीला का एक व्यू काफी प्यारा सा आप देख सकते हो इधर। ब्यूटीफुल बॉमडीला दोस्तों। मिलिए यहाँ की ओनर से जिन्होंने इतना ख्याल रखा हम लोगों का, और आप लोग आइए और यहाँ पर आकर के मजे लीजिए जैसा कि मैंने दिखाया। आप मैम कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, आप आके सर आपके शुभ नाम तो मैंने पूछे ही नहीं। मेरा नाम आकाश है। आकाश जी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति मैम फिर आइएगा, फिर आप लोग के YouTube के थ्रू से बहुत सारे लोग भी आएंगे। जी बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स तो जरूर आएंगे, एंड व्यूअर्स जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग, मैं आई एम श्योर कि आप लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं जो मैंने दिखाया है यहाँ पर। सो आप लोग प्लीज आइए और एक्सपीरियंस लीजिए। अच्छा, आपके जो होम स्टे का नाम है ये डिकीज होम स्टे है? डिकीज, सॉरी गाइज मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। सो इट्स डिकीज होम स्टे, और मैं अभी वहां का बोर्ड भी आप लोगों को डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। थैंक यू गाइज। यहाँ पर ऐसे ग्रीट करते हैं लोगों को, एंड
मिस्टर नेओंग दी, हाय बोलिए ऐसे करके, हाँ ओके। सो दोस्तों ये है वो जगह, ये देखिए डेकीज होमस्टे, फोन नंबर इसमें दिख जाएगा, लेकिन जो करंट ये इनके बेबीज हैं। हाय अक्षिता, हाय अक्षिता। ये और चीज यहाँ होमस्टे से निकलते ही बताना चाहेंगे कि इतनी स्वीट थी कि रात में हम लोगों को इन्होंने भरपेट खाना खिलाया। मैंने आप लोगों को बताया ही है क्या क्या खाया, दिखाया भी है, एंड इन्होंने सिर्फ 200 रुपये इसके चार्ज करे हैं। बिकॉज जो भी है, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि एकदम फैमिली मेम्बर की तरह ये समझ रही थी, तो आप लोग भी प्लीज़ आइए और इनके यहाँ एक बार एक्सपीरियंस करिए। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट एनी थिंग, इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग यहाँ के लोकल लोगों का जो दिल है, जो मन है, कितना बड़ा है और कितने वेलकमिंग लोग हैं। सो आप लोग आइए और स्टे करिए।